बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में यह बैठक होगी। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारियों की वेतन विसंगति और डीए बढ़ोतरी पर फैसले की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बताना है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कर्मचारियों की वेतन विसंगति और डीए बढ़ोतरी पर फैसले की संभावना जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से आज कैबिनेट की यह अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, अब से लगभग 11:30 बजे के लगभग जैसे ही जो भास्कर खुलबे यहाँ पहुंचे हैं उनसे मुलाकात समाप्त होगी। उसके बाद ये कैबिनेट की मीटिंग में चले जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जिस तरह कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है और कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है, पेयजल की कल योजना है, उसकी पेयजल को किस तरह पहाड़ों में लोगों को पानी दिया जाए उस पर कल ही बात हुई है, रोजगार की बात इसमें हो सकती है, और जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने का, DA HRA बढ़ाने का कुछ प्रस्ताव इस कैबिनेट में आ सकता है राज्य कर्मचारियों के लिए। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर 11:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही कैबिनेट खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या और अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। जी सुरेंद्र, वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए जो सैलरी की जो विसंगतियां हैं, जिस तरीके से लोगों के को कई जगहों पर दिक्कतों का सामना भी यहां पर करना पड़ा है इसकी वजह से, और उसी के साथ साथ वेतन विसंगति और डीए बढ़ोतरी पर फैसले की जो संभावना जताई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से लोग लगातार मांग करते हुए नजर आए थे यहाँ पर, पीछे अगर हम बात करें कुछ समय पहले की तो लगातार प्रदर्शन भी हमने देखे हैं, क्योंकि वेतन विसंगति को लेकर काफ़ी नाराजगी भी लोगों में यहाँ पर देखने को मिली है, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम जो भी डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो उसी कड़ी में संभावनाएं तो यहाँ पर जताई जा रही हैं पर कोई मजबूत फैसला लेने की यहाँ पर बेहद जल्द ज़रूरत है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो मीटिंग होनी है इसमें वेतन विसंगति दूर करने के लिए चर्चा हो सकती है, फैसला होगा नहीं होगा ये तो कैबिनेट के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह अधिकारी जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी जिस तरह आंदोलनरत हैं तो उसे देखकर साफ लगता है कि अभी मामला थमने नहीं जा रहा है। अगर कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं आता है और अगर प्रस्ताव नहीं आता है और उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता तो आंदोलन के बढ़ने की संभावना है। जिस तरह कर्मचारी ने हड़ताल पहले भी की है वेतन विसंगति को लेकर, और एक दिन के बिजली के जो अधिकारी थे वो स्ट्राइक पर भी चले गए थे कर्मचारी, तो अब ये देखना होगा कि कैबिनेट में प्रस्ताव आता है और वित्त विभाग में पहुंचता है, कई फैसले वित्त विभाग में जाकर अटक जाते हैं, और कैबिनेट में जैसे ये फैसले होंगे उसको कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा। साहब जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।